हमारा यहाँ पे ऑलरेडी स्पिनच लगा हुआ है, फिर भी मैं थोड़ा स्प्रिंकल कर दे रहा हूँ। ये थोड़ा अभी ड्राई होता तो अपने आप ही ये नीचे चला जाता, कवर नहीं करता। यहाँ पे थोड़ा लाइट ही करेंगे क्योंकि हमारा प्लांट्स दबना नहीं चाहिए। यहाँ पे भी हमने कोरिएंडर स्प्रिंकल किया है, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा कर देंगे ऐसे। तो ये हमारा मल्चिंग का भी काम करता है, और यहाँ पे ये नीम है तो अच्छा खासा डिकम्पोज होके एंटी इंसेक्ट एनवायरनमेंट भी प्रिपेयर कर लेता है। तो ऐसे हमने, और जहाँ पे आपका छोटे प्लांट नहीं है, कवर क्रॉप नहीं है, लाइक कोरिएंडर, धनिया, मेथी, पालक, कुछ भी, वहाँ पे आप डायरेक्ट इसको ऐसे प्लग करके ऐसे पूरा थिक मल्चिंग कर सकते हो आप। यहाँ पे जैसे ऐसे पूरा थिक ऐसे कर सकते हो। तो और जो ये इसका स्टेम बचेगा, मैं उसको पहली बात यहाँ पे प्लांट्स को जो है चलने के लिए लगाऊंगा, और एज ए पिलर काइंड ऑफ यू कैन सी हियर, ऐसे मैं इसको लगा दूंगा। हमारे क्योंकि हमारे पास टोमेटो प्लांट्स बहुत सारे हैं, इधर उधर लटक रहे हैं, तो उसमें लगा दूंगा। और बाकी जो ये छोटा और पतला स्टेम बचेगा, ये वाला इसको मैं वहाँ पे ड्रम है उसके अंदर डाल दूंगा, तो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बन जाएगा, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, सब कुछ को फिर मैं डालता रहूँगा। तो ये करता हूँ मैं, मतलब जो भी लेके आया हूँ यहाँ पे कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। अगर ये किसी काम का नहीं है, न तो हैंगिंग के लिए है, न तो उसमें डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसको थोड़ा तोड़ तोड़ के उसी में डाल दूँगा। और इन वर्स्ट केस अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है, तब इसको जला लो, जला के राख बना लो, दैट इज़ मच बेटर। आपका जो इसका राख होता है उसकी बात ही कुछ अलग है। इसको सुखा के थोड़ा राख बना लो उसका, आपके पास बहुत ज़्यादा मास में है, आप फील्ड में कर रहे हो तो ऐसा कर सकते हो। पॉज कर दिए।